हाँ जी बच्चों, अब हम इंडिफरेंस कर्व के क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्सप्लेन द वेरियस अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस क्या-क्या हैं? तो फर्स्ट अजम्पशन है बच्चे टू कॉमोडिटीज। तो आपने इंडिफरेंस कर्व के डेफिनेशन में इस चीज को समझा था, इंडिफरेंस कर्व शो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यहां पर एक लाइन है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो बच्चे इंडिफरेंस कर्व सबसे पहला अजम्पशन इसका यही है कि आप दो गुड्स का कंजम्पशन करेंगे, आप सिंगल कॉमोडिटी के कंजम्पशन से बात नहीं बनेगी। इस टॉपिक को इंडिफरेंस कर्व को समझने के लिए आपको टू कॉमोडिटी का कंजम्पशन करना होगा। तो फर्स्ट अजम्पशन है टू कॉमोडिटीज, क्लियर है बच्चे? और टू कॉमोडिटी के कंजम्पशन में आप इसको देखते हैं तो क्या है ये, इट इज अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। कंज्यूमर के पास में फिक्स अमाउंट है, एक उसकी इनकम का एक फिक्स उसके पास पे अमाउंट है। अगर वो 20 रुपीज है तो फिर 20 रुपीज ही उसके पास में है, उसका उसके पास है फिक्स अमाउंट है। इट इज अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी होल ऑफ विच इज टू बी स्पेंट ऑन द टू गुड्स, जो कि सारा का सारा दो गुड्स पे स्पेंड किया जा रहा है। गिवन कॉन्स्टेंट प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स, गिवन कॉन्स्टेंट प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स, क्लियर है? समझ रहे हैं आप? तो इट इज अज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी होल ऑफ विच इज टू बी स्पेंट ऑन द टू गुड्स गिवन कॉन्स्टेंट प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, क्लियर है? आगे समझ में आपको? तो यहां पर कह रहा है दोनों गुड्स के प्राइस क्या होने चाहिए आपके पास पे, कांस्टेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं प्राइस में फ्लक्चुएट हो रहा है। बच्चे सेकंड अजम्पशन क्या है, नो सडिटी, मतलब कि कंज्यूमर का कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसमें वो बोले कि मैं भाई अब सेटिस्फाइड हो गया हूं, अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। इसमें इसमें आपका सेचुरेशन पॉइंट नहीं होना चाहिए। सेचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको ठहराव, एक जगह पर आकर रुक जाना। लेकिन कंज्यूमर का ये आपका इंडिफरेंस कर्व इस थ्योरी पे डिपेंड करता है कि कंज्यूमर हमेशा चाहेगा मोर एंड मोर एंड मोर कमोडिटीज, हायर हायर सेटिस्फेक्शन लेवल लेना चाहेगा। तो कंज्यूमर यहां पर सेकंड है आपका नॉन स्टेडिटी, मतलब कि ऐसा पॉइंट कंज्यूमर के लिए नहीं आएगा जहां कंज्यूमर अपने आप में फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएगा या स्टॉप कर देगा। ये इस अजम्पशन पे काम करता है कि कंज्यूमर हमेशा चाहेगा कि अगर अगर आज उस पे अगर ये चीज है तो कल उससे बेटर हो, फिर उससे बेटर हो, वो हायर हायर इंडिफरेंस कर पे जाने की हमेशा कोशिश करेगा। कंज्यूमर की इंटेंशन हमेशा आगे वो मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन लेवल गेट करने की रहेगी, ना कि किसी एक पॉइंट पे आके वो रुकेगा। तो नॉन स्टेडिटी मतलब ठहराव, रुकना, सैचुरेशन। तो एक जगह पर वो नहीं रुकेगा, उसकी इंटेंशन हमेशा अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को हायर करने की रहेगी। तो ये इस अजम्पशन पे काम करता है इंडिफरेंस कर्व। इट इज अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर हैज नॉट रीच्ड द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफेयर मोर ऑफ बोथ कॉमोडिटीज, ही ऑलवेज ट्राइज टू मूव टू हायर इंडिफरेंस कर्व टू गेट एंड हायर सेटिस्फेक्शन लेवल। तो एक पॉइंट पर कंज्यूमर यहां पर नहीं रुकेगा, कंज्यूमर हमेशा यही एफर्ट करेगा कि वो हायर हायर सेटिस्फेक्शन पर जाए। तो बच्चे फर्स्ट अजम्पशन क्या है इंडिफरेंस कर्व के लिए, कि इंडिफरेंस कर्व का आपने ग्राफ भी बनाया तो आपने देखा नीचे एक्स एक्सिस पे एक गुड्स आपने एप्पल रखा और वाई एक्सिस पे आपने गुड्स बनाना रखा। तो दो गुड्स होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व के लिए और दोनों गुड्स के प्राइस अपने अपने कांस्टेंट होने चाहिए, उस प्राइस में चेंजेस नहीं आने चाहिए। और आपके पास में एक फिक्स अमाउंट आना चाहिए, होना चाहिए, जो कि आप उन दोनों गुड्स पे आप क्या करेंगे उसको खर्च करेंगे। तो टू कॉमोडिटीज, क्लियर है बच्चे? एंड सेकंड आपके पास में क्या, नॉन स्टडिटी, मतलब कंज्यूमर का एक जगह पे ठहराव नहीं आएगा, उसकी इंटेंशन रहेगी कि वो हायर एंड हायर सेटिस्फेक्शन लेवल ले, वो हायर एंड हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर वो जाए, वो ज्यादा ज्यादा गुड्स का वो कंजम्पशन करे दोनों गुड्स के।
तो कंज्यूमर की ये इंटेंशन भी रहेगी। तो ये दो क्या है हमारे पास पे, दो हमारे पास अभी हमने अभी अजम्पशन पढ़ा, एक तो टू कम्युनिटी का होना बड़ा जरूरी है इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी को समझने के लिए, और नो स्टडी पॉइंट का होना भी बड़ा जरूरी है। कंज्यूमर की इंटेंशन ये होनी चाहिए कि हायर एंड हायर सेटिस्फेक्शन लेवल वो गेट करे। हाँ जी बच्चों देखें, अजम्पशन नंबर अब हम थ्री पे आ गए हैं, और थर्ड अजम्पशन कहता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। बच्चे एक हमने यूटिलिटी चैप्टर, जो चैप्टर नंबर हमारा वन था, और ये चैप्टर नंबर टू है। चैप्टर नंबर वन में हमने कार्डिनल अप्रोच पढ़ा था। कार्डिनल अप्रोच में जिसमें हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें हम गिन सकते हैं, जिसमें हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डिनल अप्रोच कार्डिनल अप्रोच से कैसे डिफरेंट है? चैप्टर नंबर वन था हमारा कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में आप काउंट कर सकते हैं, कार्डिनल अप्रोच में आप मेजर कर सकते हैं, और ये चैप्टर हमारा इंडिफरेंस कर को हम ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच में काउंट नहीं कर सकते, इसमें मेजर्स नहीं कर सकते, इसमें बस आप रैंक दे सकते हैं अपने प्रेफरेंसेस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पे मैं इंडिफरेंस कर बनाऊं, तो इंडिफरेंस कर्व में आप देखेंगे, इंडिफरेंस कर्व में देखेंगे कि आप रैंक कर सकते हैं इसमें। ये वाई ओ एंड एक्स और गुड्स एक्स, और ये हो गया आपका गुड्स वाई। क्लियर है बच्चे, समझ गए? तो ये आपका एक हो गया गुड्स एक्स और एक आपका हो गया गुड्स वाई। अब यहां पर आप देखें इंडिफरेंस कर्व, आईसी वन और आईसी टू, आईसी थ्री, तो हायर इंडिफरेंस आपको हायर सेटिस्फेक्शन लेवल कहां मिलेगा? आईसी वन पे, उससे ज्यादा आईसी टू पे, एंड उससे ज्यादा आपको कहां पर मिलेगा? आईसी थ्री पर, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी में पढ़ लिया है कि इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन से जितनी ज्यादा दूर होगा सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही ज्यादा देगा। तो यहां पर आप रैंक दे सकते हैं कि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल वन पे ज्यादा है, टू पे ज्यादा होगा, या थ्री पर ज्यादा होगा। तो जितना ऊपर होगा उतना ही हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होगा, बट यहां पर हम अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर नहीं कर सकते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच में हम सेटिस्फेक्शन लेवल को काउंट नहीं कर सकते, ऑर्डिनल अप्रोच में हम अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को रैंक दे सकते हैं कि आईसी वन से ज्यादा आईसी टू पर सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा, एंड आईसी टू से ज्यादा आईसी थ्री पर सेटिस्फेक्शन लेवल हमें मिलेगा। हम रैंक दे सकते हैं लेकिन इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहां पर आपको इस चीज को समझना होगा, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है क्वेश्चन। देखिए बच्चे, चैप्टर नंबर वन यूटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच इसलिए बोलते थे क्योंकि यूटिलिटी में आपने देखा कि हम काउंट कर पा रहे थे सेटिस्फेक्शन लेवल को, यूटिलिटी में आपने देखा हम मेजर कर पा रहे थे सेटिस्फेक्शन लेवल को, इसलिए वो कार्डिनल अप्रोच था। और अगर आप देखें ऑर्डिनल अप्रोच, तो ऑर्डिनल अप्रोच में आप काउंट नहीं कर सकते हैं, आप मेजर भी सेटिस्फेक्शन लेवल को नहीं कर सकते हैं, आप उसको प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप उसको रैंक दे सकते हैं, इसलिए इसको हम ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। तो कई बार यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व ऐसे नाम ना लेकर के कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच इस तरीके से चैप्टर आ जाता। तो कार्डिनल अप्रोच का मतलब यूटिलिटी, एंड ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब हो गया आपका इंडिफरेंस कर्व। क्लियर है? तो आपका इंडिफरेंस कर्व में ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है, इसको काउंट नहीं कर सकते आप, इसको मेजर नहीं कर सकते आप, इसको सिर्फ आप रैंक दे सकते हो। कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच बंडल ऑफ द गुड्स। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चे हमारे पास में आ जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बच्चे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब, हमने एक क्वेश्चन पर्टिकुलर करा इसके ऊपर, इसका मतलब ये होता है कि आप एक चीज को गेन करने के लिए आप दूसरे को किस रेट से सेक्रीफाइस कर रहे हो, सेक्रीफाइजिंग रेट क्या है आपका, उस सेक्रीफाइजिंग रेट को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये MRS है, MRS की फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पर आगे एक वर्ड लिखा हुआ है डिमिनिशिंग,
तो हाँ बच्चे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए आपका? डिमिनिशिंग होना चाहिए, मतलब कि जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं आगे चल करके वो गिरता रहना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेट। मतलब फॉर एग्जांपल, आगे अगर आपने यहाँ अभी 5 बनाना सेक्रीफाइस करा है, तो नेक्स्ट टाइम उसी एक एप्पल के लिए आप 4 बनाना सेक्रीफाइस करेंगे, नेक्स्ट टाइम उसी एक एप्पल के लिए आप 3 बनाना सेक्रीफाइस करेंगे, नेक्स्ट टाइम उसी एक एप्पल के लिए आप 2 बनाना सेक्रीफाइस करेंगे। तो सेम गुड्स को हम रिसीव करने के लिए हम पहले से कम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पहले जहां 5 सेक्रीफाइस करा था, अब उसी चीज के लिए हमें 4 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसी चीज के लिए हम 3 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेट है 5, 4, 3, ये क्या डिमिनिशिंग नेचर का है? इसको डिमिनिशिंग एमआरएस कहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम? क्योंकि हमें यहां पर अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखना है, और जब सेटिस्फेक्शन लेवल को हमें सेम रखना है और हम दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो बच्चे इस चीज का ध्यान रखना है आपको, आगे भी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम चाहते हो तो आपको यह हिसाब रखना होगा आया क्या, उसी हिसाब से आपको सेक्रीफाइस भी करना होगा। जितना गेन किया उतना ही सेक्रीफाइस करोगे, अगर ज्यादा गेन कर रहे हो ज्यादा सेक्रीफाइस करोगे, कम गेन करा कम सेक्रीफाइस करोगे। अगर आप इस चीज का हिसाब रखते हैं तो आपके सेटिस्फेक्शन लेवल पे, टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप फर्स्ट एप्पल से 5 बनाना सेक्रीफाइस करते हैं और नेक्स्ट टाइम उसी फर्स्ट एप्पल के उस एक और एप्पल के लिए अब आप 5 बनाना नहीं, अब आप 4 बनाना सेक्रीफाइस करते हैं, क्यों? क्योंकि अब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल एप्पल से लास्ट एप्पल के कंपेटिबली, फर्स्ट एप्पल के कंपेटिबली अब आपको कम मिलेगा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि आपको यह समझाता है कि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल हमारी नीड्स पर डिपेंड करता है, और जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन करते चले जाते हैं, हमारी नीड्स फुलफिल होती चली जाती है, हमारी नीड्स कम रह बचती है, इसलिए हमें सेटिस्फेक्शन लेवल भी कम मिलता है। इसलिए आपका एक एप्पल के बाद दूसरे एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल फर्स्ट एप्पल के कंपेटिबली कम होगा, इसलिए अब आपको कम गेन हुआ है, आप पहले से आप कम सेक्रीफाइस करेंगे, जितना गेन हुआ उतना सेक्रीफाइस करेंगे, इसलिए अब आपका सेक्रीफाइस 5 की जगह पर अपने 4 बनाना करा। नेक्स्ट एप्पल आपको और कम सेटिस्फेक्शन लेवल देगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो आप अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने के लिए और कम सेक्रीफाइस करने की आप कोशिश करेंगे। तो यहां पर आप जो है अब 3 या फिर 2 इस तरीके से आप सेक्रीफाइस करेंगे। तो क्या कहता है? डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इन डिफरेंस कर्व एनालाइज अज्यूम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ड्यू टू दिस अजम्पशन एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजन। इस अजम्पशन की वजह से इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है ओरिजन की तरफ। क्लियर है बच्चे? समझ रहे हैं आपको इंडिफरेंस कर्व में एमआरएस डिमिनिशिंग होना चाहिए। अगर आप देखें यहां पर पॉइंट नंबर 4, y एक्सिस है, ओरिजन है एंड x एक्सिस है, गुड्स y, और ये क्या हो गया? गुड्स y, और ये क्या हो गया? गुड्स x हो गया। इन डिफरेंस कर्व अगर बनाए आई सी, अब देखिए बच्चे, एक और गुड्स एक्स का कंजम्पशन करते हैं तो हमें वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ा, एक और एक्स का कंजम्पशन करते हैं वाई का सेक्रीफाइस करना, तो सेक्रीफाइसिंग रेट क्या है? डिमिनिशिंग है। तो ये देखिए कॉन्वेक्स बन गया ओरिजिन की तरफ, तो ये कह रहा है कि डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से ही ये कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन की तरफ। तो कहीं ना कहीं हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है उसी को ही हम यहां पर एक तरीके से उसी चीज को हम यहां पर हाईलाइट कर रहे हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंडिफरेंस कर्व एनालाइज अज्यूम्स डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ड्यू टू दिस अजम्पशन एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजन। एंड फिफ्थ एंड लास्ट अजम्पशन आपका है रैशनल कंज्यूमर। बच्चे रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है समझदार होना चाहिए, माइंड से बैलेंस होना चाहिए, एटलीस्ट वो कंपेयर करने के जो है कैपेबल होना चाहिए कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उसकी इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल की तरफ जाना है। तो एक कंज्यूमर हमारा रैशनल होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, रैशनल कंज्यूमर। द कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बिहेव इन अ रैशनल मैनर।
ही एम्स टू मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन, उसका एम क्या है, मैक्सिमाइज करना टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल को। क्लियर है बच्चे, समझ रहे हैं आप, उसका एम क्या है, मैक्सिमाइज करना टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल को। क्लियर है, कोई डाउट, समझ गए बच्चे? क्लियर है, कोई डाउट? तो एक कंज्यूमर हमारा यहां पर पॉइंट नंबर फिफ्थ पे क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, उसके एंट वो इतना कैपेबल हो कि वो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को कंपेयर कर सके और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पर जाने की उसकी इंटेंशन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कंज्यूमर रेशनल है, अगर ये सब वो सोच नहीं पा रहा है तो फिर वो कंज्यूमर रेशनल नहीं है। तो इसका एक और अजम्पशन है कि आप इंडिफरेंस कर्व एनालाइज को आप स्टडी करें या उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करें, उसके लिए जरूरी है कि एक रेशनल कंज्यूमर भी होना चाहिए, तभी वो इंडिफरेंस कर्व की तरह ही, जो इंडिफरेंस कर्व में आपको पढ़ाया है, जो इंडिफरेंस शेड्यूल में आपको पढ़ाया, उसकी तरह वो बिहेव कर पाएगा। हाँ जी बच्चों, अब हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट लाइन। तो बच्चे ये बजट वर्ड आपने पहले भी अपने आसपास, आपने खुद भी अपने घर में इस बजट वर्ड को आपने यूज किया है। कई बार आपने ऐसे कहा भी होगा कि नहीं ये मेरे बजट में नहीं है, कई बार आपने ऐसे सेंटेंस यूज किए होंगे कि ये मेरे बजट में है मैं इसको ले लेता हूँ, नहीं मेरा बजट ये है। कई बार आप किसी दुकान पे जाते हैं तो वो आपसे सबसे पहले यही पूछते हैं कि जी आपका बजट क्या है, किस बजट में दिखाएं आपको हम। तो बजट वर्ड आपने ऑलरेडी पहले भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सुना हुआ है और उस बजट के ऊपर ही हमारा क्वेश्चन है, ठीक? आप वही बजट जो आपने सुना हुआ है, हम उसी बजट की बात कर रहे हैं, उस बजट के ऊपर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट लाइन। यहां बजट की बात नहीं कर रहे, बजट के साथ साथ ना बजट लाइन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन लाइन पर जाएं सबसे पहले आपको बजट को समझना होगा, उसके बाद फिर हम बजट से बजट लाइन पर चले जाएंगे। क्लियर है? तो आइए अपने इस बजट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में डेली बेसिस पे जिस वर्ड को हम यूज करते हैं, इसको प्रॉपर वे में समझने के लिए एक हम शेड्यूल ले रहे हैं, इमेजिनरी शेड्यूल है, इसके हेल्प से हम समझते हैं बजट क्या है। लेकिन इस शेड्यूल पे जाएं उससे पहले आप कुछ चीजें देख लीजिए, कुछ चीजें आप मान के चलें। फर्स्ट, अ कंज्यूमर हैज अ बजट ऑफ 20 रुपीज। कंज्यूमर के पास में उसका बजट, उसके पास पे जो उसकी इनकम है वो क्या है, वो 20 रुपीज है, वो 20 रुपीज ही खर्च कर सकता है, मैक्सिमम उसके पास में अवेलेबल 20 रुपीज ही है, और इसको दो कमोडिटी पे वो एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि जनरली हम अपने इनकम को एक ही चीज पे, एक ही गुड्स पे सारे के सारे इनकम नहीं खर्च कर देते, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंड करते हैं, इसलिए यहां पर दो कमोडिटी मैंने ले लिया है। मेरी इनकम कितनी है, 20 रुपीज है, और मैं 20 रुपीज को दो कॉमोडिटी पे एक्सपेंड करूंगा। कॉमोडिटी आपका फर्स्ट, अ कंज्यूमर हैज अ बजट ऑफ 20 रुपीज, एप्पल इज रेट, एक कॉमोडिटी एप्पल है जिसका प्राइस 4 रुपए रखा हुआ है, ठीक है, एक एप्पल का, एंड बनाना, एक बनाना के प्राइस जो है 2 रुपए रख दिया है। तो अब मैं अपने बजट में किस तरीके से परचेज करूंगा इन चीजों को, उसको जरा समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो पॉइंट्स क्लियर हुए आपको, फर्स्ट हमारी मेरी इनकम 20 रुपीज है या आपकी इनकम 20 रुपीज है, और आप अपने इनकम से दो गुड्स को परचेज कर रहे हैं, एप्पल एंड बनाना, और एप्पल का प्राइस, एक एप्पल का प्राइस 4 रुपए और एक बनाना का प्राइस आपका 2 रुपए है। आइए जरा इसको एक शेड्यूल से समझते हैं बच्चे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड बनाना, अपने बजट से आप कैसे कॉम्बिनेशन को परचेज करेंगे वो देखने वाली बात है। कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड बनाना, कॉम्बिनेशन ई, एक कॉम्बिनेशन का नाम ई दे दिया है, इसमें 5 एप्पल है, 5 एप्पल परचेज कर रहे हो और एक एप्पल 4 रुपए का है, अगर आप 5 एप्पल खरीद लोगे तो एप्पल पे कितने रुपए चले गए आपके, एक एप्पल 4 रुपीज का है और 5 एप्पल बाय करोगे तो कितने रुपए चले गए, 20 रुपए। तो सारे इनकम तो यहीं खर्च होगी, जब सारे इनकम यहीं खर्च होगी तो क्या बनाने के लिए कुछ पैसा बचा, 20 रुपए था, 20 रुपए यहीं खर्च कर बैठे आप एप्पल पे, तो बनाने के लिए आप पे आप बजट बचा नहीं, बचा तो बनाना क्या आएगा, 0। तो आपके पूरे 20 रुपीज एक्सपेंड हुए, 5 एप्पल
4 रुपए का एक, 20 और 0 × 2, तो प्लस में टोटल 20 रुपए आपका खर्च हुआ है यहां पर। नेक्स्ट देखें एफ कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर एक एप्पल कम कंजम्पशन करें, 4 एप्पल कंजम्पशन करें, तो 4 एप्पल और ईच एप्पल आपका देखिए सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा हो या कम हो, प्राइस तो कॉन्स्टेंट रहता है, प्राइस फिक्स रहता है, प्राइस तो वही रहेगा। तो 4 एप्पल आप यहां पर ले रहे हैं और एक एप्पल आपका 4 रुपीज का है, तो 4 एप्पल आपका कितने रुपए का पड़ा? 4 एप्पल आपका यहां पर 16 रुपीज का पड़ा, तो 16 रुपए तो सेब पर ही खर्च कर दिए, बाकी बचे क्या? 4 रुपए। तो जब आप बनाना के पास जाएंगे और 2 रुपए का एक बनाना है, तो 4 रुपए अगर आपने बनाना पे खर्च कर दिए तो बनाना कितना ले पाओगे आप? बनाना आप 2 ही ले पाएंगे, क्लियर है? तो 2 बनाना, तो 4 एप्पल 4 रुपए का एक 16 रुपए, 2 बनाना 2 रुपए का एक, तो 4 रुपए, तो 20 रुपए अपनी इनकम यहां भी खर्च कर दी। इस कॉम्बिनेशन को भी आप बाय कर सकते हो। तो कॉम्बिनेशन ए को आप बाय कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, मुझे पहले एक बात ये बता दो। जी हाँ, वो आपके बजट में था, 20 रुपीज में आ रहा था, आप उसको बाय कर सकते हैं। क्या कॉम्बिनेशन एफ को आप बाय कर सकते हैं? जी हाँ, कॉम्बिनेशन एफ को भी आप बाय कर सकते हैं। क्या कॉम्बिनेशन जी को आप बाय कर सकते हैं? देखते हैं। जी पर अगर आप 3 एप्पल ले रहे हो, 4 रुपए का एक एप्पल, तो 12 रुपए तो यहां खर्च हो गए। और अगर आप 4 बनाना ले रहे हो, तो 2 रुपए का एक बनाना और 4 बनाना अगर आप ले रहे हो, तो 8 रुपए, 12 रुपए और 8 रुपए, 20 रुपए खर्च हुए। तो हाँ, 20 रुपए में आ रहा है ये कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जी कितने में आ रहा है? 20 रुपए में आ रहा है, ठीक है। 3 एप्पल, 4 रुपए का एक 12, और 4 बनाना 2 रुपए का एक, तो 8, तो 12 और 8 20। हाँ, तो आपका कॉम्बिनेशन जो है ना जी, ये आपके बजट में आ रहा है, आप जी भी आप बाय कर सकते हैं। इनको है ना, कॉम्बिनेशन को बंडल भी कहते हैं, बंडल्स ऑफ टू गुड्स। एच कॉम्बिनेशन क्या आप बाय कर सकते हैं? एच कॉम्बिनेशन, तो एच कॉम्बिनेशन में आप देखें तो यहां पर एप्पल क्या है आपका? एप्पल यहां पर आपका एच कॉम्बिनेशन में 2, तो आपका 4 रुपए का एक, तो 2 एप्पल मतलब 8 रुपए तो खर्च हो गए। और यहां पर आपका 6, तो मतलब कि 12 रुपए, क्योंकि एक बनाना 2 रुपए का है, 6 बनाना 12 रुपए, यहां 8 रुपए, वहां 20 रुपए खर्च हो रहा है। हाँ, तो फिर 20 रुपए में आ रहा था, देखिए यहां पर 2 4 रुपए का एक 8 रुपए, और 6 बनाना 2 रुपए का एक 12 रुपए, तो 20 रुपए आपके बजट में आ रहा है। आप यहां पर एच को भी आप बाय कर सकते हैं, एच बंडल को भी बाय कर सकते हैं। बात करते हैं हम आई की, तो आई देखते हैं क्या हम आई को बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे अगर आप आई को देखें तो कितने एप्पल है? एक। बनाना क्या है? एक एप्पल और 4 रुपए का एक है, तो 4 रुपए खर्च हो गए। और बनाना ले रहे हो आप 8, तो 2 रुपए का एक बनाना है, तो 8 बनाना 16 रुपए, हाँ 20 रुपए। देख लीजिए, एक एप्पल 4 रुपए का एक है, 4 रुपए, एंड 8 बनाना 2 रुपए का एक है, 16 रुपए, 4 और 16 20 रुपए। हाँ, आपके बजट में आ रहा है, आप आई भी आप बाय कर सकते हैं, आप इसको भी अफोर्ड कर सकते हो, कंज्यूमर कैन अफोर्ड। जे आपने नहीं लिया तो अभी पूरे पैसे बचे हुए, 10 ले लिया बनाना तो 20 रुपए खर्च हुए, तो हाँ आप जो है जे कॉम्बिनेशन को भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये आपके ये सारे कॉम्बिनेशन आपके बजट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये बता रहा है आपको कि आप किन किन कॉम्बिनेशन को आप अफोर्ड कर सकते हैं अपने गिवन इनकम में। तो क्या आप ई को आप अफोर्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं? हाँ। एफ को आप बाय कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि आपके बजट में आ रहा है। जी को आप बाय कर सकते हैं? हाँ, आपके बजट में आ रहा है। एच को आप बाय कर सकते हैं? हाँ, आपके बजट में आ रहा है। और आई को आप बाय कर सकते हैं? हाँ, आपके बजट में आ रहा है। और जे को आप बाय कर सकते हैं? जी हाँ, ये भी आपके बजट में आ रहा है। क्लियर है बच्चे? समझ गए? क्लियर है बच्चे? कोई डाउट? क्लियर है? कोई डाउट? चलिए देखिए, इसी को अगर हम एक डायग्राम से समझे, सेम चीज को अगर हम बच्चे यहां पर एक डायग्राम से समझते हैं, बजट, क्योंकि मैं आपसे बजट नहीं पूछ रहा हूं, बजट लाइन की डेफिनेशन पूछ रहा हूं। तो आइए जरा इसी को हम एक डायग्राम से समझते हैं। इसी का एक डायग्राम बनाते हैं शेड्यूल का।
वाई ओ एक्स, और यहां पर मैं एप्पल रख रहा हूं, ए, यहां पे मैं बनाना रख रहा हूं, बी। क्लियर है बच्चे? और देखें यहां पर आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 2, तो इस तरीके से कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर है बच्चे? आप देखें एप्पल क्या है आपके पास में। सबसे पहले आप अगर यहां देखें तो एप्पल 5 है और बनाना 0 है, तो एप्पल 5, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन ई, 5 एप्पल एंड 0 बनाना। बात करते हैं अब हम एफ की, तो एप्पल कितने हैं? 4, 4, और बनाना कितने हैं? 2, तो 4 पे 2, 4 एप्पल प्लस 2 बनाना, और कॉम्बिनेशन एफ है। कॉम्बिनेशन जी की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन जी, 3 एप्पल एंड 4, 3 एप्पल एंड 4 बनाना जी। और बात करें अगर हम एच कॉम्बिनेशन की, क्लियर है? एच में 2 एप्पल, एप्पल क्या है? 2, एंड बनाना 6, टू एप्पल प्लस 6 बनाना। बात करते हैं कॉम्बिनेशन आई की, तो आई में 1 और 8, 1 एप्पल प्लस 8 बनाना, तो आपके पास पे जी और एच आई। बात करते हैं हम जे की, तो 0 एप्पल एंड 10 बनाना, 0 एप्पल प्लस 10 बनाना। क्लियर है ना? जे के ये कुछ हमारे पास में बंडल्स हैं, ई एफ जी एच आई एंड जे। इस बंडल्स को आप कनेक्ट करोगे इन पॉइंट्स को, दिस। क्लियर है बच्चे? ये क्या हो गया? ये बजट लाइन है। इसको इसको हम क्या कहेंगे? बजट लाइन। जो आप ये कर्व बनाया है मैंने, इसी कर्व को हम बोलेंगे, क्लियर है बच्चे? बजट लाइन। इसी को अब आप देखिए, एक बजट लाइन पे जितने भी बंडल्स हैं, क्या मैं ई को अपनी गिवन इनकम से अफोर्ड कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। अगर आप मैच करें तो 5 एप्पल, 1 एप्पल 4 रुपए का, 5 एप्पल 20 रुपए का, और 0 बनाना है तो 20 रुपए मैं अपने गिवन इनकम से अफोर्ड कर सकता हूं। एफ को मैं अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? 4 एप्पल, 1 एप्पल 4 रुपए का, 4 एप्पल 16 रुपए, और 2 बनाना, 1 बनाना 2 रुपए का, 2 बनाना 4 रुपए, 20 रुपए मैं अपने गिवन इनकम से एफ को अफोर्ड कर सकता हूं। जी कॉम्बिनेशन को मैं अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? जी को तो 3 एप्पल एंड 4 बनाना, 3 एप्पल, 1 एप्पल 4 रुपए का, 3 एप्पल 12 रुपए का, और 4 बनाना, 1 बनाना 2 रुपए का, 4 बनाना 8 रुपए का, तो आपके पास में इसको मैं अपने गिवन इनकम से अफोर्ड कर सकता हूं। एच 2 एप्पल, 1 एप्पल 4 रुपए का, 2 एप्पल 8 रुपीज का, एंड 6 बनाना, ईच बनाना 2 रुपीज का, 6 12 रुपीज का, 20 रुपीज हो गया, अपने गिवन इनकम से अफोर्ड कर सकता हूं। आई कॉम्बिनेशन 1 एप्पल 4 रुपए का और 8 बनाना 16 रुपए का, क्योंकि 1 बनाना 2 रुपए का है, तो 20 रुपए अफोर्ड कर सकता हूं। एंड लास्ट जे कॉम्बिनेशन 0 एप्पल, पूरी इनकम बची हुई है, एंड 10 बनाना, 1 बनाना 2 रुपए का, 10 बनाना 20 रुपीज। तो एक बजट लाइन पे जितने भी बंडल्स हैं, उन सभी बंडल को एक कंज्यूमर अपने गिवन इनकम से, उसके गिवन प्राइस पे, इसके गिवन प्राइस पे ही अपने गिवन इनकम से एक बजट लाइन पे जितने भी बंडल्स अवेलेबल हैं, उन सभी बंडल को एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है।
तो एक बजट लाइन क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस को, उन सभी बंडल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन क्या कर रहा है, ये लाइन एक रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट बंडल्स को, उन बंडल्स को जिसके गिवन प्राइस पर एक कंज्यूमर अपने गिवन इनकम से अफोर्ड कर सकता है, तो उस लाइन को हम बजट लाइन कहते हैं। एक ऐसा लाइन जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बंडल्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स रिप्रेजेंट करे, जिसके गिवन प्राइस पर एक कंज्यूमर अपने गिवन इनकम से उसको अफोर्ड कर सकता है, ये लाइन जो है बजट लाइन होगा। और इस बजट लाइन के ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, ये आपकी लिमिटेशन है कि यहां तक, ये लक्ष्मण रेखा है आपके इनकम का, यहां तक, यहां तक तो ठीक है, इसके बाहर नहीं जाओगे क्योंकि आपके बजट से आगे चली गई चीज आप कैसे अफोर्ड करोगे। तो ये आपके बजट लाइन बताता है कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। हाँ, इसके नीचे आप जरूर रह सकते हैं। अब बजट लाइन आपका एंड हो गया, बट बात कर रहा हूं बजट लाइन की, तो इस लाइन का तो मतलब यही हो गया कि एक ऐसी लाइन जो इन जो ये रिप्रेजेंट करे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड बंडल्स को, जिसके गिवन प्राइस पर एक कंज्यूमर अपने गिवन इनकम से अफोर्ड कर सकता है। क्लियर है बच्चे? तो इसको हम क्या कहेंगे, बजट लाइन। तो आपको समझ में आ गया शेड्यूल से, आइए जरा इसकी थ्योरी पढ़ते हैं बजट लाइन की। हाँ जी बच्चों, जैसा कि अभी आपने बजट लाइन को आपने शेड्यूल में देखा कि आपके पास में एक बजट लाइन जब मैंने ड्रॉ करा तो उस पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन थे, उस पर ई एफ जी एच आई जे, ये सभी कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पर टू कॉमोडिटीज एप्पल एंड बनाना के आपके पास कॉम्बिनेशन थे, और हर एक कॉम्बिनेशन को आप कंज्यूमर अपने गिवन इनकम 20 रुपीज से अफोर्ड कर सकता था। उसी को हम जरा थ्योरी में समझते हैं क्या कह रहे हैं बजट लाइन के बारे में। बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। समझ रहे हैं आप, जो बजट लाइन था वो क्या है, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। जितने भी कॉम्बिनेशन थे उनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। तो बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज्ड, जिसको खरीदा जा सकता है विद गिवन इनकम एंड प्राइस। तो जो बजट लाइन था एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, टू गुड्स के कॉम्बिनेशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, ई एफ जी एच आई जे। ये क्या है, ये आपका टू कॉमोडिटी के कॉम्बिनेशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने देखा, और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कंज्यूमर उसको बाय कर सकता था, परचेज कर सकता था, वो भी उसके प्राइस पर। तो आइए, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज्ड विद गिवन इनकम एंड प्राइस, सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन, जो हर कॉम्बिनेशन का कॉस्ट जो आ रहा था। क्लियर है बच्चे? फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग हम 5 एप्पल कंज्यूम कर रहे थे और ईच एप्पल 4 रुपए का, तो 20 रुपए का कॉस्ट आया। देन उसके बाद बनाना 0, तो पूरा का पूरा उस कॉम्बिनेशन का जो है कॉस्ट 20 रुपीज का आया। जब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे गए तो वहां पर हम 4 एप्पल कंज्यूम कर रहे थे, तो 16 रुपए का कॉस्ट, और 2 बनाना 20 रुपए का, तो ईच कॉम्बिनेशन का जो कॉस्ट है हमारे इनकम के इक्वल था। तो ये वही कह रहा है, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज्ड विद गिवन इनकम एंड प्राइस, सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम, जो हमारी इनकम थी, मनी इनकम थी, उसके इक्वल ऑफ द कंज्यूमर। अल्टरनेटिवली अगर आप कहें तो बजट लाइन इज अ लोकस, मतलब पॉइंट, इज अ लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स विच कंज्यूमर कंज्यूम्स एंड विच कॉस्ट एग्जैक्टली इज द इनकम, जिसकी कॉस्ट कंज्यूमर के इनकम के इक्वल होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बच्चे हम बजट लाइन कहते हैं। तो बजट लाइन अभी हमने ड्रॉ करा और उसकी थ्योरी भी अभी हमने यहां पर इसको पढ़ लिया। क्लियर है बच्चे कि बजट लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशन आपने देखे थे वो सभी कॉम्बिनेशन को एक कंज्यूमर बाय कर सकता है उसके प्राइस पर, और उसका जो कॉस्ट है कॉम्बिनेशन का 20 रुपीज और मेरी इनकम भी 20 रुपीज, तो उसके कॉस्ट और मेरी मनी इनकम दोनों ही क्या है, इक्वल होती है।